बालको समाचार बुलेटिन ने पिछले हफ्ते 100 अंक पूरे किए। इसके प्रसारण के साथ ही बालको समाचार बुलेटिन की टीम को बड़ी संख्या में फोन के जरिए बधाई संदेश मिले। लोगों ने बुलेटिन की प्रस्तुति की सराहना की और इसे बेहतर बनाने के अनेक उपाय सुझाए। बालको के कर्मचारियों और उनके परिजन, आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को बालको में हो रही गतिविधियों की जानकारी देने के उद्देश्य से लगभग 2 वर्ष पूर्व बालको समाचार बुलेटिन की शुरुआत की गई थी। इस दौरान बालको समाचार बुलेटिन ने न केवल कंपनी से संबंधित जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई, बल्कि अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी विस्तार से प्रसारण किया। बुलेटिन की सफलता पर दर्शकों की बधाइयां अभी भी बालको समाचार को मिल रही हैं। कृति नारी समिति की ओर से बालको समाचार को 100 एपिसोड पूरे करने के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देती हूँ और ये मंगल कामना करती हूँ कि ये समाचार बुलेटिन की जो प्रसारण है वो नित नई ऊंचाइयों को छुए। हमें जब से यहाँ, हम बालको में विगत 25-30 सालों से रह रहे हैं और इसके पहले तो बालको के बारे में समाचार हमें, बालको समाचार जो दिल्ली से छपता था वहीं से इसके बारे में पता चलता था और ऐसे कुछ विशेष बातें पता नहीं चलती थी, केवल जो खबरों में छपती थी बस। लेकिन जब से ये बालको समाचार प्रारंभ हुआ है, टीवी में बुलेटिन का प्रसारण शुरू हुआ, हमें बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार रहता है। बालको समाचार हमारे, बालको हमारा अपना है, तो ये समाचार बुलेटिन भी हमारे अपनों की जानकारी बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही उत्तम तरीके से लोगों को बताता है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ भी सांस्कृतिक, शैक्षणिक और जो भी प्रगति, औद्योगिक प्रगति बालको के क्षेत्र में हो रही है, प्लांट में हो रही है, उसके बारे में पता चलता है। हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि इसके माध्यम से बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी लोगों को सामने लाया जाता है, प्रतिभाशाली लोगों को कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र के लोगों को ये आगे बढ़ाता है। हम देखते हैं कि बालको समाचार कृति नारी साहित्य समिति को भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत कार्य किया है। उसने हमारे कार्यक्रमों को टीवी में प्रचारित किया है, प्रसारित किया है, जिससे इस समिति के सदस्यों को बहुत हौसला मिला है। तो हर क्षेत्र में बालको समाचार बुलेटिन से लोगों को उत्साह, उमंग, प्रेरणा मिली है और हम चाहते हैं कि ये जो गतिविधि है आगे और भी बढ़ती रहे, और भी अनछुए क्षेत्र जो बच गए हैं उन्हें भी सामने लाया जाए। बालको के फैक्ट्री के भीतर और फैक्ट्री के बाहर जो भी गतिविधियां चलती थी, फैक्ट्री के भीतर प्रोडक्शन से और फैक्ट्री के बाहर यहाँ की बालकों की सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक जो भी गतिविधियाँ हैं, पहले इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं हो पाती थी, लेकिन जब से ये चैनल आपका शुरू हुआ है, बालको समाचार बुलेटिन, तब से मैं समझता हूँ इससे लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ होती रही हैं। जब हम फैक्ट्री से घर आते थे तब घर में भी बच्चे लोग हमको बताते थे कि फैक्ट्री में आपका ऐसा ऐसा कार्यक्रम हुआ, अमुक जगह ये मॉडर्नाइजेशन हुआ जिसके बारे में आज समाचार बालको समाचार बुलेटिन के द्वारा बताया गया, बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से लोगों को, बच्चों को, गृहिणियों को और आम नागरिकों को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मेरी ये शुभकामना है कि ये समाचार बुलेटिन सिर्फ बालको नगर तक ही न रह के कोरबा क्षेत्र में यदि इसका प्रचार और प्रसार हो तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा और हमारे बालको के बारे में लोग जो है, कोरबा के अंदर जैसे रजका मार्ग है, NTPC है, MPB है और गेवरा कुसमुंडा SCCL कॉलेज जो है, जो भी, इन लोगों को काफ़ी जानकारी होगी।
ये बुलेटिन पे होने से यहाँ जो सामाजिक गतिविधि है उसमें भी मतलब बढ़ोतरी हुई है। लोग जो है टीवी में कवरेज हो रहा है करके लोग जो है इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये हमारी मिसेज जो है लेडीज क्लब में थी तो ब्राह्मण समाज में जैसे टीवी कवरेज हो रहा है करके तो बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो थोड़ा लोगों को चेतना जागृत हुई। दूसरी बात ये है कि प्लांट वगैरह के बारे में लोगों को पता ही नहीं था क्या होता है, हस्बैंड कैसे काम कर रहे हैं, क्या फंक्शन हो रहा है, क्या पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। अभी मतलब यू हैव ए फीलिंग अबाउट द थिंग्स। पूरा बालको में हम हैं तो पहले तो टाउनशिप में है तो टाउनशिप में है, प्लांट में है तो प्लांट में है। तो अभी एक सेंस है कि भाई हम बालको में है, इट इज़ प्लांट और टाउनशिप। तो सब लोगों को मतलब इवन लेडीज बच्चे सबको मतलब प्लांट के बारे में पता चलता है कि क्या हो रहा है, कि कहीं एक्सपांसन हो रहा है, कि राज्यपाल आए, कि चीफ मिनिस्टर आए, या कहीं केली फिल्टर हुआ, सब बात करते हैं ना एटलीस्ट। तो लोगों में चेतना जागृत हुई कि ये हमारा प्लांट है। पहले केवल प्लांट्स के ही समाचार को दिखाया करते थे और बाद में फिर सांस्कृतिक समाचार हैं या बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताएं जो होती हैं वो जो दिखाने लगे। तो बच्चे क्या करते हैं, कितना उन्नति कर रहे हैं, किसमें क्या प्रतिभा है, कौन कौन से कंपटीशन प्रतियोगिताएं हो रही है, ये सब ज्ञात होता है, अच्छा लगता है। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम को भी दिखाते हैं, जैसे महिलाओं का वट सावित्री है या हल षष्ठी व्रत है, जन्माष्टमी है, ये सब दिखाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, महिलाएं विभिन्न रामायण आदि का कार्यक्रम जो होता है उनको भी दिखाते हैं, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। और इसी के चलते महिलाएं प्लांट में क्या हो रहा है ये समाचार को भी देख लेती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के कारण की रुचि इस ओर बढ़ती जा रही है और इसको रुचिकर बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम को दिखाते रहना जरूरी है। तो उसके दिखाने से ही लोग ज़्यादा रुचि लेते हैं। बालकों में जो भी होता है, त्यौहार होते हैं या कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है, वो ज़रूर बालकों समाचार में दिखाया जाता है और वो देखना अच्छा लगता है। कभी कभी हमारी मम्मी भी आती हैं और देखना तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है कि टीवी तो एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई देखता है और उसमें अपने लोग हों तो फिर बहुत उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बालको समाचार मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें जो है हमारे स्कूल एक्टिविटीज़ के बारे में दिखाते हैं, जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आजकल दिखाने लगे हैं और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है वो दिखाते हैं। और स्पेशली मेरी मम्मी भी ये सब कार्यक्रम में पार्ट लेती है, उसको देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे घर का कोई व्यक्ति टीवी में आ रहा है और सबका इंटरेस्ट बढ़ता है। जो प्लांट के बारे में भी उसमें बताते हैं कि जैसे नए चैम्बर्स बने हैं और चिमनी बन रही है, ये सब के बारे में लोग जागरूक होते हैं, पता चलता है प्लांट में क्या हो रहा है, इससे बहुत अच्छा महसूस होता है। पहले तो प्लांट के बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती थी, लेकिन जब से टीवी में बालको समाचार आने लगा है बहुत से अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें दिखाते हैं, सावन के बारे में, दिवालियों के बारे में और सारे पर्वों में अब बहुत अच्छी कवरिंग होती है, तो वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। बालको के समाचार विभाग के संपूर्ण टीम को बधाई देता हूँ। जब से बालको समाचार चालू हुआ है तब से विभिन्न प्रकार की जितनी भी गतिविधियां हैं बालको क्षेत्र में, चाहे सांस्कृतिक हो, साहित्यिक हो एवं सामाजिक हो, सभी गतिविधियों को प्रसारित किया जा रहा है और बालको नगर के जन जन तक ये समाचार पहुंच रही है, जिससे हर क्षेत्र में चाहे सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, साहित्यिक हो, हर क्षेत्र में लोगों का रुझान बढ़ रहा है और ये एक बहुत बड़ा मतलब कदम है। बालको मैनेजमेंट को ये बधाई का पात्र है इसके लिए और हम चाहते हैं कि आगे भी ये और अच्छा मतलब इसमें कार्य करें और संपूर्ण समाचारों को कवर करके प्रसारित करें ताकि यहाँ के सभी लोगों को ये पता चले कि कोरबा बालको क्षेत्र में क्या गतिविधियाँ चल रही है। बालको समाचार मैं रोज़ देखती हूँ, नियमित रूप से देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और गतिविधियों के विषय में पता चलता है।